अबू धाबी में बने बीएपीएस हिंदू मंदिर की आज पूरी दुनिया में सनातन की नई पहचान के तौर पर उसे देखा जा रहा है। यह मंदिर अपने आप में काफी दिव्य और भव्य है, लेकिन क्या है मंदिर में बने सात शिखरों का रहस्य और अरब में क्या है इस मंदिर का अयोध्या कनेक्शन, इसका पता लगाया न्यूज 18 की टीम ने। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत है उतना ही दिव्य और भव्य है मंदिर भीतर से। मंदिर के स्तंभों पर जो नक्काशी की गई है, जो आकृतियां उकेरी गई हैं, अलग अलग जो शिखर हैं उनको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि दिव्यता और भव्यता उसके कणकण में देखने को मिल रही है। लेकिन इस दिव्यता और भव्यता को हम नहीं समझाएंगे, बल्कि जो लोग इसको बहुत करीब से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमको बताएंगे। सनमिल भाई हमारे साथ हैं, आप गुजरात से आए हुए हैं। बंसल भाई हमारे साथ हैं, आप भी गुजरात से आए हुए हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं। एक हफ्ते 10 दिन हो गए आप लोग यहाँ पर आए हुए, तो ये मंदिर परिसर के बारे में पूरी जानकारी हमको देंगे, अंदर मंदिर की दिव्यता और भव्यता के बारे में बताएंगे, सभी शिखर के बारे में बताएंगे। तो हम तीनों लोग अंदर चलते हैं और भीतर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के पहले मंडप के नीचे इस वक्त हम पहुंच गए हैं और इस मंडप की भी अपनी कहानी है। जैसे हमारा शरीर, हमारा जीवन पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे ही मंडप भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। आप ऊपर देख पाएंगे, इसमें आपको सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश और जल सभी की आकृति यहाँ पर उकेरी गई है और इन पंच तत्वों से मिलकर इस मंडप को बनाया गया है। सद्भाव मंडप, जो कि एक संदेश दे रहा है सद्भावना का और बता रहा है कि जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या होती हैं, सद्भावना कितनी आवश्यक होती है और इन पंच तत्वों का हमारे जीवन में और सनातन में क्या महत्व है। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में सात शिखर हैं, हर शिखर की अपनी कहानी है, हर शिखर के नीचे प्रतिमाएं रखी गई हैं, मूर्तियां रखी गई हैं और उन मूर्तियों की भी अपनी कहानी है। फिलहाल इस वक्त हम राम दरबार के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं भगवान श्री राम की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, सीता जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, उनके बगल में हनुमान जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, इधर लक्ष्मण जी की प्रतिमा देख सकते हैं। ये राम परिवार है, राम दरबार है। अभी हाल ही में अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, रामलला का वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है और यहाँ बीएपीएस नारायण मंदिर में भी रामलला का दरबार आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में भी हम सनमिल भाई से जानेंगे और समझेंगे कि इन प्रतिमाओं का निर्माण कहां पर किया गया है और थोड़ा इसके बारे में बताइए सनमिल भाई। जी, आपने जैसे बताया कि 22 जनवरी को जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो यहां पे भी हमारे मंदिर में कुल 7 शिखर है। सातों शिखर में क्या रखा है कि हमारे भारत के 7 आराध्य इष्ट देव जो है उनके समर्पित एक एक शिखर है यहाँ पे। तो मंदिर की शुरुआत में आप आओगे तो प्रथम शिखर में भगवान रामलला विराजमान है और उनके साथ पूरा राम दरबार यहाँ पे विराजमान है। ये जो मूर्तियाँ हैं वो राजस्थान में बनी हुई है और हर एक शिखर की एक अपनी विशेषता है। ये जो शिखर आप देख रहे हो ये राम दरबार का शिखर है, तो यहाँ पे आपको भगवान की मूर्ति दिख रही है, तो ये शिखर की बाहरी दीवार पे पूरी रामायण का उल्लेख वहाँ पे किया गया है, नक्काशी के द्वारा पूरी रामायण वहाँ पे दिखाई गई है, तो ये यहाँ की विशेषता है। ये राम, तो हर शिखर की भी अपनी कहानी है, जैसा कि हमने बताया कि राम दरबार है और उसके पीछे जब हम आपको ले चलेंगे उन दीवारों को दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे उस पर पूरा रामायणकालीन आकृतियों को उकेरा गया है और रामचरितमानस का जो पूरा संवाद है, वो प्रभु राम की जो पूरी जीवन लीला है उसको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चलते हैं आगे। तो मंदिर के दूसरे शिखर के पास आ गए हैं हम, पीछे आप देख पाएंगे स्वामी श्री अयप्पा जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के बारे में जानकारी दी गई है कि केरल में इसका निर्माण किया गया है, बाकी विस्तार से हमें सनमिल भाई बताएंगे। सनमिल भाई, स्वामी श्री अयप्पा जी की इस प्रतिमा के बारे में बताइए। जी, तो हमने आगे बताया कि ये जो 7 शिखर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हर एक शिखर में हमने भारत के 7 आराध्य इष्ट देव का यहाँ पे मूर्ति विराजमान हुई है हमारी। तो हम दूसरे शिखर में जहाँ आए वो भगवान अयप्पा जी का शिखर है। जनरली क्या होता है कि लोग नॉर्थ साउथ की बात करते रहते हैं, पर यहाँ पे ये जो मंदिर हमारा है उसमें हम एक ही संदेश देते हैं कि लव, पीस एंड हारमोनी, संवादिता का ये मंदिर है। तो यहाँ पे भगवान अयप्पा जी जो साउथ में पूजनीय है, साउथ इंडिया में पूजनीय है, तो उनका यहाँ पे मूर्ति का स्थापन किया गया है और ये जो मूर्ति है वो केरला में बनी हुई है। तो केरला में बनी हुई मूर्ति और सद्भाव का संदेश दे रही है। दूसरे शिखर के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तीसरे शिखर की तरफ चलेंगे और उसकी कहानी आपको बताएंगे।
मंदिर के तीसरे शिखर का आपको दर्शन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी आपको बता देते हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां पर आप देख सकते हैं प्रमुख स्वामी महाराज जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और स्वामी महाराज जी ने ही सपना देखा था कि रेगिस्तान में भी एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो। ये सपना उन्होंने कब देखा था, कैसे देखा था, जो कि आज साकार हो पाया है, सनमिल भाई इसके बारे में बताएंगे। सनमिल भाई आगे आइए और बताइए इस किस्से के बारे में। तो सन 1997 में 5 अप्रैल को यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज जी आए थे और शारजहाँ के डेजर्ट में उन्होंने विश्व संवादिता के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि विश्व के सारे देश एक हो जाए, मतभेद भूल के सारे धर्म सारे देश एक साथ होके आगे बढ़े। और अंत में उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो। तो जो 1997 में जो उन्होंने संकल्प किया था, जो दूरदृष्टि थी उनकी, तो वो आज यहाँ पे साकार हुई है। और उनका जो संकल्प था वो हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी ने कल साकार किया है और संपूर्ण किया है उनका ये संकल्प। तो 97 में जो सपना देखा गया था, जो संकल्प लिया गया था, अब वो सिद्धि में तब्दील हुआ है। 14 फरवरी 2024 को वो सपना सिद्धि में तब्दील हुआ, वो संकल्प सिद्धि में तब्दील हुआ। आगे बढ़ेंगे और आपको तीसरे शिखर का दर्शन करवाएंगे। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के तीसरे शिखर के पास आ गए हैं। इस शिखर की कहानी क्या है वो आपको बताएंगे, उससे पहले आपको प्रभु के दर्शन करवा देते हैं। ये देखिए आप, भगवान श्री श्रीनिवास जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और साथ में श्री पद्मावती जी, जिनको आप तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। और आप देखिए स्वर्ण जड़ित ये गर्भगृह है, खूबसूरत ये प्रतिमा है जो हर किसी को आकर्षित कर रही है। सनमिल भाई बताइए इस शिखर के बारे में, प्रतिमा के बारे में। जी, आगे जैसे हमने बताया कि ये जो मंदिर है वो संवादिता का मंदिर है और यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं से जो भी हमारे आराध्य इष्टदेव है उनका दर्शन यहाँ पे हमें होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ जो हम खड़े हैं वो भगवान श्री श्रीनिवास जी और पद्मावती जी का ये शिखर है, जो हमारे भारत में दक्षिण भारत में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वही प्रतिमा, वैसी ही प्रतिमा यहाँ पे भी विराजमान की गई है। तो साउथ इंडिया से भी जो लोग यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे भगवान का दर्शन कर सकेंगे। तभी तो कहा जा रहा है कि अगर आप देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं, तो आप इस मंदिर से अपने आप को जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं चौथे शिखर की तरफ। अबूधाबी के इस मंदिर का अयोध्या कनेक्शन भी है। दरअसल अयोध्या के करीब एक छपिया गांव है जहां पर एक बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया घनश्याम पांडे, जो कि आगे चलकर स्वामी नारायण भगवान कहलाए और उनको विष्णु भगवान का अवतार भी कहा गया। इस वक्त हम चौथे शिखर के करीब पहुंच चुके हैं और ये मंदिर का मुख्य शिखर है, उसके गर्भगृह में आप स्वामी नारायण जी की प्रतिमा को देख सकते हैं। स्वर्ण जड़ित ये गर्भगृह है और साथ ही साथ खूबसूरत तस्वीर यहाँ से निकल कर सामने आ रही है। सनमिल भाई और बंसल भाई, आप हमें इस गर्भगृह के बारे में बताइए और स्वामी नारायण महाराज जी के बारे में बताइए। बंसल भाई, भगवान श्री स्वामी नारायण और उनके उत्तम भक्त गुणातीतानंद स्वामी, जिनको अक्षर पुरुषोत्तम महाराज भी कहा जाता है, तो उनकी प्रतिमा यहाँ पे प्रस्थापित की गई है। और यहाँ का सिद्धांत जो है, आप सारे शिखरों की जो मूर्तियाँ देखेंगे तो भारत की जो वैदिक सनातन संस्कृति उसमें हम जिस तरह से भगवान की उपासना करते हैं वो सिद्धांत मूर्ति के रूप में आपको यहाँ पे प्रस्थापित होते हुए दिखेगा। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सिया जी हैं, हनुमान जी हैं, तो आदर्श भक्त बनके हमें भगवान की उपासना करनी है, ये सिद्धांत सभी प्रतिमाओं से हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि अक्षर होके पुरुषोत्तम की भक्ति करनी है, राधा जी जैसे बनकर कृष्ण की भक्ति करनी है, सीता जी जैसे उत्तम भक्त बनके हमें राम की भक्ति करनी है, ये संदेश यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है। अयोध्या कनेक्शन क्या है उसके बारे में बताइए। भगवान श्री स्वामीनारायण जो थे वो अयोध्या से थोड़े ही दूर छपैया गाँव में उनका जन्म हुआ और बहुत ही अल्प आयु में उन्होंने सारे वेदादि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और उनके ऊपर प्रभुत्व पाया। उसके बाद 7 वर्षों तक समग्र भारतवर्ष की 12,000 किलोमीटर तक उन्होंने लंबी पदयात्रा की। भारत के सारे अलग अलग मंदिर मठ सभी जगह वो गए और आखिर में गुजरात में वो स्थायी हुए। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही बड़ा एक सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन चलाया जो स्वामीनारायण आंदोलन के रूप में प्रचलित हुआ और वैदिक फिलोसॉफी के आधार पर उनकी एक नूतन संत परम्परा का उन्होंने निर्माण किया। और तब से लेकर आज तक समाज सेवा और आध्यात्मिक उत्थान और सांस्कृतिक नवसर्जन उसके कार्य में यह संस्था आज भी लगी हुई है। हमने अब तक आपको 4 शिखर का रहस्य बताया, अब आपको बताना बाकी है कि बचे 3 शिखरों के बारे में, जिसके हर बारीकी से न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की है। स्वामीनारायण मंदिर के 5वें शिखर की कहानी क्या है, उसके लिए आपको इस स्तंभ को देखना होगा जिस पर
भागवत कथा उकेरी गई है और भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण का गर्भगृह है और वही है इस मंदिर का पांचवा शिखर। आप देख पाएंगे यहाँ पर भगवान कृष्ण की तमाम लीलाएँ हैं, साथ ही साथ भागवत में जो उपदेश दिए गए हैं उसका भी इस पर वर्णन किया गया है, गीता के भी कुछ अंश इस पर दर्शाए गए हैं, उकेरे गए हैं। अब आप भगवान कृष्ण का दर्शन करिए। यह है पांचवा शिखर जहाँ पर भगवान कृष्ण हैं और उनके साथ में हैं राधा जी। खूबसूरत और मनमोहक ये प्रतिमा है भगवान कृष्ण की, स्वर्ण जड़ित ये गर्भगृह है और नीचे आप देखिए ये इटालियन मार्बल्स लगाए गए हैं। कुल मिलाकर आप यहाँ पर इस मंदिर के भीतर आएंगे तो आपको रामलला के भी दर्शन होंगे, कान्हा जी के दर्शन होंगे, भगवान शिव के दर्शन होंगे। मतलब यह है कि सनातन संस्कृत की हर झलक आपको इस मंदिर के भीतर देखने को मिलेगी और कुछ वही झलक आप इस पांचवें शिखर के भीतर भी देख सकते हैं। मंदिर के छठवें शिखर की तरफ चलेंगे लेकिन उससे पहले आपको दर्शन करवा देते हैं शास्त्री जी महाराज के, जिन्होंने BAPS ट्रस्ट की स्थापना की थी और उनके द्वारा स्थापित BAPS ट्रस्ट की तरफ से ही आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसी ट्रस्ट के जरिए ही आबू धाबी में इस दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। अब तक पूरी दुनिया में तकरीबन 1200 मंदिर बनवाए जा चुके हैं। गुरु जी ने जो सपना देखा था, जिस ट्रस्ट की स्थापना की थी, उस ट्रस्ट के जरिए ही इन मंदिरों का निर्माण करवाया जा रहा है। तो मंदिर के छठवें शिखर के करीब आ गए हम। सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के, आप दर्शन करिए, बलदेव जी के, सुभद्रा जी के। और ये जो आप मूर्तियां देख पा रहे हैं इनकी खासियत ये है कि नीम की लकड़ी की बनी हुई ये प्रतिमाएं हैं जो कि उड़ीसा के पुरी में वहाँ के पुजारियों की देखरेख में बनाई गई हैं। मनमोहक प्रभु की यहाँ पर छटा देखने को मिल रही है जो कि इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता को चार चांद यहाँ पर लगा रहे हैं। और इस गर्भगृह की क्या खासियत है, इन मूर्तियों की क्या खासियत है, वो बंसल भाई हमको बताएंगे। बंसल भाई इधर आ जाइए, बताइए जी। जैसा आपने अभी बताया तो विशिष्ट प्रकार की लकड़ियों से इन मूर्तियों को बनाया गया है और सारे गर्भगृह में जो भी मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं सारे शिखरों में, उनकी एक विशेषता ये है कि ये जो तीर्थ स्थान, जो विशेष तीर्थ स्थान भारत के जो भी भाग में स्थित है वहाँ के लोगों ने इन मूर्तियों को तराशा है, उन मूर्तियों का निर्माण वहाँ पर किया गया है। जैसे आप तिरुपति बालाजी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में ही उनका निर्माण हुआ है और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की ये जिस सारी मूर्तियाँ हैं उनका निर्माण भी उसी तरह से ओडिशा में निर्माण किया गया है। और इस शिखर के बाहरी जगह पर आप देखेंगे तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वो पूरी रथ यात्रा का दृश्य बाहरी दीवार पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं कि हर शिखर के पीछे जो बाहरी दीवार है उसकी भी अपनी कहानी है और वहाँ पर उस शिखर से संबंधित मूर्तियों को उकेरा गया है, चलचित्र को उकेरा गया है और बताया गया है कि शिखर को क्यों समर्पित किया गया है उन ईष्ट को। तो मंदिर के सातवें शिखर के नीचे पहुँच चुके हैं हम, मतलब ये कि सातवें गर्भगृह के पास में, जहाँ पर आपको शिव दरबार देखने को मिलेगा। भगवान शिव का पूरा परिवार यहाँ पर देखने को मिलेगा। भगवान शंकर की आप प्रतिमा देख सकते हैं, उनके साथ में पार्वती जी की प्रतिमा है, भगवान गणेश जी की प्रतिमा, कार्तिकेय जी की प्रतिमा है। बहुत ही खूबसूरत ये शिव दरबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जैसा कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हर गर्भगृह की अपनी कहानी है और इस मंदिर का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि आप देश के किसी भी हिस्से से आएँ, आप किसी भी ईष्ट को मानने वाले हों, आपको यहाँ पर अपने भगवान नज़र आएंगे, आपको ये मंदिर अपना सा लगेगा। और इसीलिए इस मंदिर में सभी भगवानों को स्थापित किया गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, चाहे भगवान राम की बात करें, उनके पूरे परिवार की बात करें, उनके दरबार की बात करें, शिव दरबार की बात करें, या फिर कृष्ण भगवान की बात करें, राधा रानी की बात करें। स्वामी जी ने 27 बरस पहले यानी साल 1997 में जो सपना देखा था उसे साकार कर पाना इतना आसान था नहीं, उस संकल्प को सिद्धि में बदल पाना इतना आसान था नहीं, लेकिन इस सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से। 2015 में जब वो UAE के दौरे पर आए उसके बाद ही प्रयास तेज हुआ और आज हम सबके सामने ये दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। और यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज 18।